साल से मैं पीछे, दो साल से तुम्हारा पीछे कर रहा था। मामला सुपौल जिला सदर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली समीप NH 327 सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग पर विद्यालय से पढ़कर वापस घर जा रही छात्रा को मंजले आशिक ने एक तरफा प्यार में खुलेआम गोली मारकर घायल करने की है। मंजले आशिक ने एक तरफा प्यार में खुलेआम छात्रा को गोली मारकर किया घायल, हालत गंभीर, विरोध में किया सड़क जाम, पिपरा क्षेत्र में अपराधी हुए बेलगाम। यही कारण है कि अब कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल दिन दहाड़े मंजले युवक ने बेखौफ होकर कॉलेज से पढ़कर वापस घर लौट रही छात्रा को सरेआम गोली मार दिया, जिससे छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया निर्मली के समीप की है। घायल छात्रा कटैया निवासी सूर्यनारायण सुतिहार की बेटी गुड्डी कुमारी है, जो निर्मली जगदीश मंडल कॉलेज से पढ़कर अपने 4-5 साथी छात्राओं के साथ अपने घर लौट रही थी। घटना के बाद आरोपी लड़का वहां से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घायल छात्रा को इलाज के लिए सुपौल भेज दिया गया है। ज्योत्सना कुमारी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। दो साल से तुम्हारा पीछे कर रहा था। ये आज अचानक क्या हुआ जो गोली चला? भाई बोला हमें जो कॉलेज में पढ़ता है कुलदीप, उसका बोला गुड्डी लाई क्यों लेती आती है? हम बोले कि तू अपना गुआर भैया की गोलियां लेते आने के लिए, इसी बात से नाराज था। नहीं, ये नाराज था या जो था हमने सही से पता, लेकिन उसे हम नहीं बात करते थे, ये बात से नाराज होगा। वो तुमसे बात करने के लिए बोलता था? हाँ, पहले बोलता था, लेकिन इस बीच में हमने नहीं टॉर्चर किया था। तो 2-3 लड़की 4 लड़की थे हम, तो चंदा लोगों को बोले तुम सब भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे। हमें बोला पहले कि लड़का सो, तुझे मौत से डर भी आती है, इसलिए मौत से डरने इसमें क्या बात है, सब ना जाबे करेगा, मरबे करेगा। तो चंदा लोग को बोली भाग जाने का, हम बोले तुम लोग मत जाओ, नहीं तो हम जो है यहाँ नहीं रुकेंगे, तुम लोग रुकेगी तभी हम रुक सकते हैं, क्योंकि ये लड़का है। तो दोस्त लोग भी रुकी, दोस्त को बोली से कुछ है ना चंदा, यहाँ से साइड हो। हम बोले चंदा मत साइड हो, चंदा और नीतू के बीच में हमने छिप गए, तो पर भी उन्होंने गोली मार दिया। तुमने इसकी सूचना, तुमको जो परेशान कर रहा था, तुम परिजन को सूचना दी थी इसकी, अपने परिजन को? मेरे मोबाइल पहले कॉल करता था, मेरे मम्मी को भी, मेरी बड़ी दीदी है, हमसे बड़ी है, और एक नाम है किरण दीदी, उसको भी पता है लड़का, मैं मेरे मोबाइल पर फोन करता, मेरी दीदी जब उसका फोन उठा। तुम तभी कहाँ से आ रही थी जिस टाइम गोली चलाया था? कॉलेज से पढ़ाई करके आ रही थी। निर्मली कॉलेज से? हाँ, जगदीश मंडल कॉलेज से। क्या नाम हुआ तुम्हारा?